नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्किल पर। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज के वीडियो में 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट हैं, 20 तक हम लोग देख चुके थे, उसके बाद 21 से स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, UPSC, BPSC, IAS वगैरह में, प्री मेंस में सारे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो डेसिबल जो है इससे ध्वनि की प्रबलता की इकाई नापी जाती है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति में शक्ति की इकाई नापी जाती है। समुद्री मील से नौसंचालन में दूरी की इकाई नापी जाती है। सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। सेल्सियस से हम ताप को मापने का काम करते हैं, ठीक है। जो हमारा ताप होता है वो सेल्सियस में नापा जाता है, ठीक है। ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा हीट जिसको बोलते हैं, इसका मात्र जो कैलोरी होता है, ठीक है। तो ये सभी इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी डी जो सही हो जाएगा। अश्वशक्ति आपको पता ही, 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति के बराबर। अगला क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेंटीग्रेड कैलोरी अर्घ या जूल। तो इसमें से ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है, तो ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है। सेंटीग्रेड अभी मैंने बताया था, सेंटीग्रेड ये ताप मान की इकाई होती है। ताप जो है सेंटीग्रेड में नापा जाता है। बाकी कैलोरी अर्घ जूल ये सारी ऊष्मा की इकाई हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, सही कर लीजिए। एक पिकोग्राम यहाँ पर लिखा है 10^-6। बी ऑप्शन में लिखा है 10^-9 और सी में लिखा है 10^-12 और डी में 10^-15, ठीक है। तो पिको की बात हो रही है, तो पिकोग्राम जो होता है वो 10^-12 के बराबर होता है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, एक पिकोग्राम के बराबर, ठीक है। बाकी और भी आपको याद रखना चाहिए, जैसे एक मिलीग्राम होता है 10^-3, उसके बाद माइक्रोग्राम होता है 10^-6, उसके बाद आता है नैनोग्राम 10^-9, ठीक है। उसके बाद आता है पिकोग्राम 10^-12 और फिर आता है फेमटोग्राम 10^-15। तो इस तरीके से आपको याद करना है, लिख लें आप सभी ये। अगला क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की, ठीक है। तो पास्कल जो होती है दाब की इकाई होती है। दाब एक पास्कल बराबर एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। किसी तल के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब जो होती है एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं। दाब का मात्रक भी न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिससे पास्कल कहते हैं, ठीक है। या तो पास्कल आ जाएगा लिखा हुआ, नहीं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होगा, ठीक है, वो भी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दाब यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई क्या है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई यहाँ पर बार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब जिसको बोलते हैं। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है, जो इसका मान किसके बराबर होता है, 1 bar = 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी इकाई होती है, दाब की होती है, या पास्कल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 bar = 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है, दोनों यहां पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 kg/cm दाब समतुल्य होगा, किसके समतुल्य होगा। तो ये समतुल्य होगा 1 bar के, ठीक है। 1 kg/cm दाब समतुल्य होता है 1 bar के। राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तराखंड पीसीएस प्री में 2002 में पूछा गया क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, बल, दाब, वेग या त्वरण। तो मैंने अभी बताया था, दाब जो होता है वो हमारी अदिश राशि होती है, ठीक है। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उनको हम अदिश राशियाँ कहते हैं। और जिसमें दिशा और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है, उनको हम सदिश राशियाँ कहते हैं, ठीक है।
अदिश राशियों में बल वेग विस्थापन त्वरण आयतन दाब चाल दूरी सब अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ बल वेग विस्थापन त्वरण संवेग सारी सदिश राशियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लंबाई की न्यूनतम इकाई, इसमें से पूछा गया कौन सी है, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई होती फर्मी मीटर, ठीक है। इसके मान होती 10^-15 मीटर, ठीक है। फर्मी मीटर का 10^-15 मीटर होता है। आपको शुरुआत से याद रखना है, एक माइक्रॉन होता है, इसकी वैल्यू होती है 10^-6। एक नैनो, इसकी पावर होती है 10^-9 होती है। यंगस्ट्रॉम की होती है 10^-10, ठीक है। फर्मी मीटर को होती है 10^-15, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूनतम इकाई होगी 10^-15 होगी फर्मी मीटर। अगला क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से आपको सम्मिलित करना है। क्यूसेक से क्या नापा जाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जल के प्रवाह की दर, ठीक है। बाइट जो होता है कंप्यूटर से संबंधित होता है, इसको ऑप्शन डी से मिलाएंगे। रिएक्टर जो होता है भूकंप की तीव्रता से नापी जाती है। बार जो होता है ये दाब का मात्रक होता है, तो इस तरीके से मिलाएंगे यहाँ पर। क्यूसेक जो होता है जल के प्रवाह की दर के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड यानी कि क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मिलाएंगे हम। अगला क्वेश्चन है डाब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डाब्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पृथ्वी की मोटाई मापने, हीरे की मोटाई मापने, ओजोन परत की मोटाई मापने, सौर की मापने में, ठीक है। तो डाब्सन का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई के मापने में। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाब्सन में मापी जाती है। एक डाब्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डाब्सन की बात करें तो एक डाब्सन बराबर कितना होता है, 2.69 × 10^20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोनार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो जो सोनार का प्रयोग किया जाता है वो नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो SONAR ये इसका इंग्लिश में वर्ड होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है। तो सोनार का प्रयोग किया जाता है नौसंचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में जो डूबी हुई वस्तुएं होती उनकी स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की परासर्व तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है, ठीक है। तो ये अब याद रखना है, उच्च आवृत्ति की परासर्व तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौटती हैं, जिसकी सहायता से हमको पता चल जाता है कि महासागर में जो डूबी हुई वस्तु है वो कितनी गहराई में डूबी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर उच्च परास्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोनार में हम प्रयोग करते हैं, देखिए क्वेश्चन आ गया है, अभी मैंने बताया क्वेश्चन आ गया। सोनार में किसका प्रयोग किया जाता है, रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, परास्रव्य तरंगों का, अपसरण तरंगों का। तो मैंने बताया था उच्च परास्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है सोनार में। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो ये मापी जाती है ऑडियोमीटर से, ऑप्शन डी में से हो जाएगा। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में होने वाले परिवर्तन को मापता है, ठीक है। और एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, एनीमोमीटर से वायु के वेग की माप की जाती है। ऑडियोफोन जो होता है वो दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है ये ऑडियोफोन। अगला क्वेश्चन, एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है, अभी मैंने बताया था एनीमोमीटर से पवन वेग यानी कि वायु की गति का मापन किया जाता है एनीमोमीटर से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है वो आपको बतलाना है। एनीमोमीटर वायु की चाल सही है, अमीटर विद्युत धारा बिल्कुल सही है, पायरोमीटर उच्च ताप बिल्कुल सही है, टैकियोमीटर दबांतर ये गलत है। तो राइट आंसर इसमें सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। टैकियोमीटर जो होता है एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण होता है जिसके द्वारा क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टैक्योमीटर। अगला क्वेश्चन है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो पायरोमीटर के द्वारा हम उच्च ताप जो होता है उसको मापा जाता है। पायरोमीटर जो होता है इसके द्वारा, पायरोमीटर कह सकते हैं या पूर्ण विकिरण उत्ताप माप इसको कहते हैं, ठीक है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसकी सहायता से अत्यधिक उच्च तापों को मापा जाता है। और पायरोमीटर के द्वारा जो होता है वो 800 सेंटीग्रेड के ऊपर के तापमान को मापा जाता है, क्योंकि 800 सेंटीग्रेड से नीचे अगर तापमान है किसी वस्तु का तो इसमें जो है उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए जो है 800 सेंटीग्रेड के ऊपर के जो तापमान होते हैं इसके द्वारा मापा जाता है, जैसे कि सूर्य का जो ताप है इसके द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो ताप विद्युत ताप मापी, विकिरण ताप मापी, गैस ताप मापी, द्रव ताप मापी, तो अभी मैंने बताया था विकिरण ताप मापी जो होता है पायरोमीटर में होता है, ठीक है। जब तक किसी वस्तु से कोई विकिरण नहीं होगा, यानी 800 डिग्री सेंटीग्रेड जब उसका तापमान होगा उससे ऊपर, तो उसमें विकिरण का उत्सर्जन होगा, तब हम इसका प्रयोग कर पाएंगे पायरोमीटर का। अगला क्वेश्चन वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो कौन सा है, गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या बाष्प दबाव थर्मामीटर, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। 800 डिग्री सेंटीग्रेड से जितने भी ऊपर तापमान होते हैं वो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के द्वारा मापे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पायरेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है, सनस्पॉट, सोलर रेडिएशन, हवा ताप को, पौधों के ताप को, ठीक है, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने में, ठीक है। सौर विकिरणों को मापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण प्रयोग में ले जाते हैं, एक तो पायरोमीटर हमने बताया आपको, पायरनोमीटर, और दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है गैसों के दाब की, ठीक है, ये गैसों का दाब इसके द्वारा मापा जाता है। ये भी पीसीएस प्री में पूछा है क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने, थोड़ा सा फास्ट किए हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी तरीके से आपको जितने भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए आईएएस पीसीएस आरओ आरओ में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, एसएससी वगैरह के लिए सारे के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमिंग ऑनलाइन, थैंक यू।